यस सो ये जो वीडियो रिकॉर्डेड कोर्सेज आप लोगों ने लिए हुए हैं हमसे, उसके लिए डाउट क्लास है. और ये डाउट क्लासेस जो होती है एवरी 15th डे होती है, 15th 16th डे, जिसमें आपको मैसेज किया जाता है एंड यू कैन ज्वाइन इन दिस एंड आस्क ऑल योर डाउट्स दैट यू हैव. एक एक करके हम डाउट्स लेंगे, सो प्लीज बी पेशेंट एंड कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट. राइट, पूर्वी से शुरू करते हैं. पूर्वी बोले अपने डाउट्स. मैम, ये जो यस नो कार्ड्स होते हैं, यस आए या नो आए, तो उसके साथ जो उसका इंटरप्रिटेशन होता है वो भी हम साथ में बता सकते हैं कि उसके लिए अलग कार्ड निकालना होता है? इंटरप्रिटेशन यस नो में हम करते नहीं है एक्चुअली. कार्ड पॉजिटिव होता है तो हम क्वेश्चन का आंसर यस बोलते हैं, कार्ड नेगेटिव होता है तो नो बोलते हैं. अगर आपको स्प्रेड करना है, आप रीड करना चाहते हो आगे के भी कार्ड्स, तो हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेड्स हैं, आप वो कर सकते हो. तो हम वो यस और नो के साथ उसका रीजनिंग सेम कार्ड से नहीं बताएंगे, अगर वो पूछेगा नेक्स्ट कि ऐसा क्यों तो नेक्स्ट कार्ड निकालेंगे. ओके. वन क्वेश्चन. और एक है कि ये जो लवर्स कार्ड है उसमें डेफिनेटली हमेशा कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन होगा ही. यस, और ये जजमेंट कार्ड यस कार्ड है कि नो कार्ड है? इट इज अ यस कार्ड, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए नेगेटिव है. तो अगर कोई पूछेगा कि मैं ये काम शुरू करूं तो उनको बताना है कि आपका ऐसे यस कार्ड है पर सेकंड चांस आपको मिलेगा, फर्स्ट टाइम तो आपका ड्रॉप आउट होगा ही. यस, तो इसलिए फ्यूचर के चॉइसेस में अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन है तो मैं ये जिस ऑप्शन के लिए जजमेंट आया है उसको मना कर दूं, क्योंकि मैं ऐसे काम की शुरुआत क्यों करूं जो एक बार खत्म होने पे आएगा ही आएगा. अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन है, कई बार होता है ना मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर हम गाइडेंस दे देंगे कि आप काम शुरू कर लीजिए, पर ये ध्यान रखिएगा कि जब प्रॉब्लम्स आए, स्ट्रगल हो, तो डरिएगा मत, है ना, हार्डवर्क करते रहिएगा, आपको सेकेंड चांस मिलेगा. और एक लास्ट है, ये जो चोपुरे आपने बताया था, तो सपोज मेरे पास 3 डेक्स है तो मैं तीनों को साथ में रख के ऐसे कर सकती हूँ या अलग अलग सेपरेट करना सेपरेट पड़ेगा जी. अलग अलग? ठीक है. क्लियर? यस, गौरी कक्कर जी बोले. हेलो हेलो मैम. जी. मैम, एक तो मुझे तलाक के क्वेश्चन को लेके कंफ्यूजन था कि किसी ने पूछा था कि तलाक होगा नहीं, तो अगर पॉजिटिव कार्ड आया है तो हम ये बोल देंगे कि तलाक होगा. होगा, हाँ, क्योंकि आपने पूछा क्या तलाक होगा, तो पॉजिटिव कार्ड आया तो वो बोलेगा यस होगा, नेगेटिव कार्ड आया तो और बोलेगा नहीं. अच्छा, अगर केस चल रहा है और वो कहता है कि वो नहीं चाहता, तो अगर हम रेमेडी बताते हैं तो क्या उससे फर्क पड़ता है? रेमेडीज, हाँ देखो, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जो रियल इफेक्टिव रेमेडीज होती हैं वो एनर्जी हीलिंग होती है ना, क्योंकि बाकी जितनी भी रेमेडीज हैं वो आउटवर्ड डायरेक्टेड है ना, बाहरी चीज में हम कुछ कर रहे हैं, कोई भी चीज कहीं रख रहे हैं, कहीं दबा रहे हैं, या कुछ भी हम रेमेडी करते हैं, दैट इज आउटवर्ड डायरेक्टेड. इनवर्ड डायरेक्टेड रेमेडी जो होती है वो सबसे पहले काम करती है, उसमें आती है पूजा, मंत्र उच्चारण, एनर्जी हीलिंग, जैसे रेकी, प्राणिक, थीटा, इनमें से कोई. इनमें से कोई भी काम आ जाएगी. और एक ये पूछना था कि जब कार्ड हम चार्ज करते हैं चौकुरे से, तो क्या हमें रेकी एनर्जी को पहले बुलाना होता है, डायरेक्टली अगर हम आप कर रेकी सकते हैं? अट्यून्ड हैं तभी बुलाना होता है, अगर रेकी अट्यून्ड नहीं. हाँ हाँ नहीं, मैंने किया था तो हाँ मैं बुला बिल्कुल, लेती भी हूँ, बुला सकते जी, बिल्कुल, अगर तो रेकी अट्यून्ड है. हर बार बुलाना होगा. और एक ये पूछना था, अगर कोई भी एस का कार्ड है, साथ में मेजर नहीं है, कोड कार्ड नहीं है, पिप कार्ड्स में से ही पॉजिटिव कार्ड है, तो क्या एस को प्रिफरेंस देंगे? नहीं, मैं समझ नहीं पाई, दोबारा बोलो. जैसे एस का कोई भी कार्ड आया और साथ में कोई पिप कार्ड आया है तो वो पॉजिटिव है, तो एस दोनों में कार्ड होता है. हाँ, नहीं, मतलब एस के अलावा जो कार्ड्स होते हैं 10 कार्ड्स ओके में से, उसमें अगर वो आए तो हम क्या एस को चुनेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, कंपेयर करेंगे, देखेंगे हम क्या पूछ रहे हैं, क्या रिजल्ट है, कई, दूसरा कार्ड जो है वो क्या बोल रहा है, कंपेयर हाँ कर. तो हाँ, क्योंकि कल ऐसी 2 कार्ड आ गए थे तो कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि वो भी पॉजिटिव था, एज भी पॉजिटिव है, कि कौन सा दोनों में से चुने, तो दोनों का नंबर फिर हम देखेंगे. नंबर देखेंगे, मीनिंग देखेंगे मैम, और एक चीज ये पूछनी थी कि जैसे अभी तो प्रैक्टिस के लिए कुछ है नहीं, हम प्रैक्टिस ऐसे ही करते हैं, तो हम कब खुद को फील करें कि हाँ भाई अब एस्ट्रोटॉक में करने के लिए कितना टाइम भी. आप लेके चलें? कॉन्फिडेंट हो जाएं बोलने में, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपको लगे मैं रीडिंग्स कर सकता हूँ. वीडियो रिकॉर्डेड कोर्सेज के लिए दो चीजें हमने शुरू की हैं. फर्स्ट इज प्रैक्टिस टैरो क्लासेस,
जिसमें क्या होगा, नॉमिनल चार्जेस रखे जाएंगे और मंथली उसमें 6 to 8 क्लासेस होंगी जो सिर्फ प्रैक्टिस क्लासेस होंगी, जिसमें आप आके जो ये आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, लाइव नहीं है, तो मुझे नहीं पता है कि आप कैसे रीडिंग कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या नहीं बोल रहे हो, आई डोंट नो दैट. तो बहुत स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने ये टैरो प्रैक्टिस क्लासेस शुरू की है, नेक्स्ट मंथ से शुरू होंगी, कि आप उसमें आके प्रैक्टिस कर सकते हो. यू कैन डू लाइव रीडिंग्स, आई कैन चेक व्हाट आर यू स्पीकिंग, व्हाट आर यू नॉट स्पीकिंग, ये सारी चीजें होंगी. उसका आपको जल्दी आपको उसके लिए पैम्पलेट भेज दिया जाएगा. सेकेंडली, एस्ट्रोटॉक पे आप जरूर अप्लाई कर सकते हो, हम लोग ऑफिशियल पार्टनर्स हैं एस्ट्रोटॉक के, सो हम डायरेक्ट प्लेसमेंट देते हैं वहां पे, जब आपको कॉन्फिडेंस हो खुद पे, है ना, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स में असिस्टेंस है, मेरी अश्योरेंस नहीं है उसमें, क्योंकि आई डोंट नो आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, आई कैन ओनली असिस्ट यू, है ना. सो वो चीज है कि मैं इंटरव्यूज अरेंज करवा दूंगी आपके, क्लियर करना आपके हाथ में. नहीं, स्प्रेड करते हैं कार्ड के मीनिंग होते हैं तो मोस्टली समझ में आता है, पर वो एक कॉन्फिडेंस नहीं, और ये नहीं पता उसमें, आई कैन, और ये नहीं पता कि वहाँ पे किस तरीके का इंटरव्यू होता है, मतलब वो क्या चीज पूछ लेते हैं. करवाएंगे वो आपसे, कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे मान लो ये पूछ लेंगे कि मेरी आजकल की एनर्जीज बताइए, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनके बारे में, कौन सा स्प्रेड फैलाना है, कौन सा करना है. ओके. और मैम, एक टाइम प्रेडिक्शन का नहीं समझ में आया था, क्योंकि उसमें टाइम काफी लेके बताया गया है, तो अगर हम किसी को भी बताएंगे तो उसमें कंफ्यूजन आ रहा है टाइम बताने में. वो वीडियो पूरी क्लियरली दी हुई है वहाँ पे टाइम प्रेडिक्शन की, आप दोबारा. मैंने देखी, हाँ जी मैंने देखी थी, पर टाइम नहीं उसमें, क्योंकि टाइम जिस भी चीज का बताया गया. और एक मुझे ये समझ नहीं आया कि जैसे बॉन्ड्स के कार्ड है तो उनको किस चीज से रिलेट करके बताया गया है. जैसे पहले हम रिलेट नहीं किया, हमने ये रिसर्च बेस्ड प्रेडिक्शन है. कप्स के कार्ड जो है वो डेज बताते हैं, वॉन्ड्स के जो है वीक्स बताते हैं, स्वॉर्ड्स के मंथ्स बताते हैं, पेंटिकल्स के ईयर्स बताते हैं, मेजर के 3 to 10 years बताते हैं. उस वीडियो में हमने आपको ये भी सिखाया है कि पेंटिकल्स जो मेजर है वहां में टाइमिंग करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 6 to 8 months की एनर्जी रीड करते हैं हम टैरो कार्ड्स में. इसका मतलब है अगर कप्स, वॉन्ड्स और स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आएंगे तो ही जो इवेंट आप बोल रहे हो वो पॉसिबल है, नहीं तो पेंटिकल्स और मेजर में तो वो इवेंट इस साल होना ही नहीं है. तो हम सीधा ये बोल देते हैं कि इस साल आपको यहाँ पे एनर्जीज लगाने की जरूरत ही नहीं है. अच्छा, जैसे हमने ये सीखा था कि सोर्ट की विंड में चलते तो हवा की स्पीड सबसे तेज होती है, तो वो डेज में काम करते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं. कब बोला आपको स्वॉर्ड्स डेज? आपने नहीं बोला. देखो, एक बात को समझो, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती जो आप कहीं भी देख रहे हो, है ना. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. वो जो पढ़ा रहा है आपको उससे पूछना पड़ेगा. ओके मैम, बस यही पूछना था, थैंक यू. यस, निराली बोले. Hi ma'am, I have lots of doubts actually. Ask. Anji. So ma'am, when we are doing Reiki to somebody, that person has to be in a meditation pose, in a calm pose, or they can know? Unko pata bhi nahi lagta. Aap healing kar rahe ho. Okay. And I just wanted to confirm the process. We have to call Reiki, then aura cleanse, then we can do sadhana, meditation, Reiki, whatever it is. Stability, aura lock, close, and then disconnect. Yes. Okay. Also today I have my attunement, so after that we will be starting the sadhana. Yes. So you said there is a 3-minute video on YouTube. Three minute ka wo. अच्छा, 3-3 minutes के gap में वो bell बजती है, वो आप डाल सकते हो YouTube में. आप डालोगे ना Reiki 3-minute bell video आ जाएगी. हाँ, तो उसमें ना एक video में दिखाया है with the positions itself. पूरा 1.5 hour का है, so we can see that and we can yes, do. Yes, yes, you can. Yes. Okay. And by any chance, if I am unwell, I have fever or anything, I can still do Reiki for myself? Yes, और उसमें तो ज़्यादा करनी है. If I am not well, तो मुझे ज़्यादा करनी है ना to get well soon. Yes, yes. हाँ हाँ, बिल्कुल. Okay. And can we do the tarot reading for our own self? Obviously. Why would I learn it if I don't? If I cannot apply it on myself? No, because at times you know, वो confusion आ जाता है कि If you just have to be unbiased, okay. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो आ रहा है उसको पढ़ो, ये नहीं नेगेटिव आ रहा है उसको भी घुमा फिरा के, क्योंकि मुझे पॉजिटिव आंसर चाहिए तो मैं पॉजिटिव ही देखूंगी. yeah, yeah, yeah. अगर आपको अनबायस्ड आप रीड कर सकते हो तो क्यों नहीं करेंगे हम खुद के लिए. ऐसी चीज को सीखने का फायदा ही क्या होगा मुझे, जो मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल ना कर पाऊं. राइट, बिल्कुल कर सकते हो. एंड हाउ मच टाइम स्पैन शुड बी देयर बिटवीन वन सिमिलर क्वेश्चन रीडिंग? 6 months. 6 months. Okay.
And for the wish box, in case if we are traveling, can we give a distance healing for the wish box? No. Okay. That's it, ma'am. Yes, Shalini Agarwal ji, bole. Yes, ma'am. Ma'am, magician mein hum reasoning kya denge? Reasoning matlab kyun nahi hua? Ji. क्योंकि आपने टाइम नहीं दे पाए, आप रिसोर्सेज का सही यूज नहीं कर पाए. ओके, एक क्वेश्चन था, मेरी पढ़ाई कैसी रहेगी, उसमें हर्मिट कार्ड है. पढ़ाई अच्छी रहेगी बट उसको आप ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे, आप ज्ञान बांटने में ही लगे रहोगे. ओके, एक में क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, लवर्स स्प्रेड में ऑब्स्टिकल है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑब्स्टिकल में, तो ये कह सकते हैं आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो, लोग फायदा उठा रहे हैं उस चीज का. एक इसमें आया था क्वेश्चन, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, नाइट ऑफ कप्स, तो ये तो बहुत पॉजिटिव है, इसमें क्या बताएं. उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, जी बिकॉज प्रोबेबली यू वर गोइंग टू स्लो इन द रिलेशनशिप, उसको कमिटमेंट चाहिए थी. सिक्स ऑफ कप पे मैम क्या रीजनिंग आएगी, किस चीज की रीजनिंग, जैसे ये इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मेरा काम क्यों नहीं बना या उसने मुझे क्यों छोड़ दिया. सिक्स ऑफ कप्स कह सकता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिला जो सपोर्ट आपको चाहिए था. फैमिली सपोर्ट. थैंक यू मैम. जी गुंजन बोले, यू डोंट नीड टू रेज हैंड्स, मैं एक एक करके सबसे ही सबके ही डाउट्स क्लियर करूंगी, निश्चिंत रहिए उस चीज के लिए. हाँ जी गुंजन बोले. गुड आफ्टरनून मैम. हेलो. हाँ जी. एक्चुअली क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कभी कभी कार्ड रीड करते समय स्पेशली अपने लिए ये चीज होती है कि कभी कभी इंट्यूशन कुछ और आती है और कार्ड का मीनिंग कुछ और आता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या मतलब करना चाहिए. इंट्यूशन को हमेशा आपको कार्ड में मिला के आंसर देना चाहिए. हैविंग सेड दैट, ये नहीं हो सकता कि मेरा कार्ड कुछ और बोल रहा है और मेरी इंट्यूशन बिल्कुल ही ऑपोजिट बोल रही है. उसमें फिर इट्स योर चॉइस, यू कैन आइदर डू कार्ड रीडिंग और डू इंट्यूशन रीडिंग. अगर मुझे सिर्फ अपनी इंट्यूशन से ही रीडिंग करनी है तो मुझे टैरो कार्ड्स की कोई जरूरत नहीं है. ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ इंट्यूशन रीडिंग करते हैं, है ना, पर फिर आपको कार्ड्स की जरूरत नहीं है. अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हो तो आपको इंट्यूशन को कार्ड से रिलेट करना ही पड़ेगा. गुंजन आप फ्रीज हो गए हो. यस राकेश जैन आप बोले. राकेश जैन. हेलो मैम. हेलो. हेलो जी बोले. मैम मेरा क्वेश्चन है मैडम, एक क्लाइंट, एक दो मिनट. आप ना बहुत डिस्टरबेंस है, पहले आप किसी स्टेबल जगह जाएं तब बात करें. कामाक्षी बोले. हेलो मैम. हेलो जी. मैम मैंने वैदिक के बारे में पूछना था. किसके बारे में? वैदिक ग्रिड के बारे में, न्यूमरोलॉजी की क्लास मैंने ली थी ना, तो आपने 319675 और 284 की एक्सप्लेनेशन उसमें दी हुई थी, तो 362 अगर आता है या जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है हमारे पास वही एक्सप्लेनेशन है. जो प्लेन्स अच्छा. हैं वो हॉरिजॉन्टली है हमारे पास, ऐसे वर्टिकली नहीं है, क्योंकि वर्टिकली वो प्लेन नहीं बन सकता. एक प्रैक्टिकल है, एक इमोशनल, एक मटेरियलिस्टिक. जो आपको बताया गया है उसमें वही है. ऑपोजिट एस्पेक्ट्स अगर हो, सपोज 3 और 9 का यहाँ देख रहे हो या 6 7 देख रहा हो या एक दूसरे को, तो उसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी मैम. मतलब आप कह रहे हो अल्टरनेटिवली कॉमेडी? नहीं तो नहीं है ना, वो तो फिर होगा ही कुछ ना कुछ तो ऐसे. ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूजन आती है, क्योंकि बाकी तो तीनों मतलब थी मेरे पास एक्सप्लेनेशन, लेकिन अगर कोई और चीज आती है तो वो चीज का पता नहीं है हमारे पास, वो आपको पढ़ाई गई. ठीक है मैम. ठीक है. और मैम नेम एनालिसिस में जब हम देखते हैं तो हमने सिर्फ मिसिंग नंबर्स में से देखना होता है उस चीज को. अगर सपोज नेम एनालिसिस में मिसिंग नंबर का है, नहीं अगर हमने सपोज किसी का नेम चेक किया तो उसकी ग्रिड में कोई मिसिंग नंबर है, तो अगर वो हमने वो चीज लेके आनी होती है उसके प्रॉपर ग्रिड के अंदर, तो वो हम नेम से मतलब हम लेके आना चाहते हैं उस चीज को, तो वो हम ऐड कर सकते हैं नेम नंबर का. आप ये कहना चाहते हो मान लीजिए मेरी ग्रिड में 5 मिसिंग है, तो मैं नेम 32 पे रख लूं तो वो 5 हो जाएगा, ऐसा आप बोलना चाहते कर सकते हो आप, पर उसको ये मत मान लेना कि 5 आ जाएगा ग्रिड में. इतना पावरफुल नहीं होता कि वो ग्रिड में आ जाए, बट हाँ कुछ हो सकता है, सो यू कैन डू दैट. मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी हम अपनी लाइफ में ऐड नहीं कर सकते.
वैसे नहीं कर सकते, ऐसे तो फिर हम नौ ही तो नंबर है, देखो तो समझो नौ नंबर है, ऐसे तो मैं कुछ ना कुछ करके नौ के नौ ले ही आऊंगी, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, इफ इट्स इफ सम नंबर इज मिसिंग इट इज मिसिंग, है ना। लेकिन हाँ कुछ फायदा हम पा सकते हैं, तो जरूर जो आपने प्रोसेस बोला है इसको आप कर सकते। तो अगर बाय चांस उस पर्टिकुलर ग्रेड में वो नंबर रिपीट हो रहा हो और वो बाकी जो नंबर है वो उनके एंटी नंबर्स हो, तो क्या हम दोबारा वो नंबर दे सकते हैं ग्रेड में, रिपीट कर सकते हैं उस नंबर को? तो की जरूरत है भी कि नहीं, ऑलरेडी अगर आप कह रहे हो रिपीट हो रहा है तो वो नेगेटिव हो रहा होगा, नेगेटिव हो रहा है तो उसकी पावर को क्यों बढ़ाऊंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक आया था तो वो था उसमें 33 था, 55 था, 11 था, तो लेकिन उसके एंटी नंबर्स भी उस हिसाब से वही थे, मतलब कुछ मतलब मैच नहीं हो पा रहा था उससे, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि जरूरी क्या मुझे ग्रिड के हिसाब से नहीं मैं एनालिसिस करना। ओके ओके ठीक है, तो मिसिंग नंबर्स मतलब हम कोई भी दे सकते हैं उसको नेम एनालिसिस में। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। यस, दीक्षा दारवाल बोले। दीक्षा, हाँ जी, जस्ट अ मिनट मैम। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। अभी मैंने मेजर आराधना के कार्ड कंप्लीट किए हैं, जिसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोई क्लाइंट बोलेगा कि जॉब लेना है मुझे कि बिजनेस मेरे लिए क्या अच्छा है, तो आपने बोला था आप दो कार्ड खुद से निकालिए और बताइए। तो मैम मेरे दो कार्ड आए थे, द सन एंड द वर्ल्ड, तो उस केस में कैसे वो क्या बोलना चाहिए क्लाइंट को, क्योंकि दासन बोलता है कि अगर अपनी सक्सेस आपने प्रॉपरली अच्छे से मतलब ज्यादा प्रॉपरली रखी नहीं सक्सेस अपनी रेडी हुए तो आप गिर जाओगे और आपको वापस से फिर से वही अचीव करना है, और द वर्ल्ड बोलता है कि आपको सक्सेस मिलेगी और फिर आप डिटैच हो जाएंगे, तो ऐसे में क्लाइंट को तो कैसे बताओ क्या इन दोनों में से आपको क्या अच्छा ऑप्शन लगता है, सक्सेस पाके गिर जाना या सक्सेस पाके डिटैच हो जाना? सक्सेस पाना बट उतना ग्रीडी नहीं होना, थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। आपकी मर्जी है टोटली, आप सन चुन सकते हो, बट इसमें वर्ल्ड चुना जाना चाहिए क्योंकि अल्टीमेट हमारा जो पर्पस है वो यही है कि हम सक्सेस पाएं और फिर उससे डिटैच हो जाएं। ओके ठीक है मैम। ओके यस, राकेश जैन जी अब आप पूछना चाहेंगे, बोलें, अनम्यूट करिए पहले खुद को। हाँ जी, तो मैम मेरा क्वेश्चन है, मैम मेरा ऑफिस का ही कलीग का एक क्वेश्चन है मैम, तो उसके अभी वो मेरे साथ जॉब कर रहा है, तो उसी इज थिंकिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो उसने मुझे पूछा कि मैं जॉब कंटिन्यू करूँ या बिजनेस करूँ, तो मैंने उसके दो कार्ड निकाले मैम, तो दोनों कार्ड में ये जॉब के लाया 10 of cups और बिजनेस के लाया 6 of pentacles, तो जॉब यानी लक्ष्य तो 6 of pentacles ही सही है ना मैडम इसका? जी यस, क्यों एक्चुअली मुझे इसलिए डाउट है, 10 of cups भी मतलब बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है पर उसका एस्पेक्ट अलग है। हां जी, रिलेशन, हां वही वही। यस, मैं एक और क्वेश्चन है मैडम, मेरे रिलेटिव का ही है, तो उनका आया था मतलब उनका चाइल्ड नहीं है मैडम, शादी होके 10 साल हो गए कोई चले, तो उनका चाइल्ड होगा यानी जैसा रोमो उन्होंने पूछा, तो उनका कार्ड आया 4 of pentacles में, तो इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगा। यस कार्ड है वो, अगर आपने पूछा कि क्या उनका चाइल्ड होगा तो होगा, इस कार्ड ही है मैम, पर इसमें 4 of pentacles में मतलब वो इसके पास सब कुछ है, लक्ष्य सब कुछ है। यस, नो में इंटरप्रिटेशन की जाती है। ओके ओके, वन लास्ट थिंग मैडम, मैडम आपने वो जो टाइमिंग का आपने बोला ना रजिस्ट्रेशन करने का, उस टाइमिंग का एक लेंगे कितने, तो वो अभी तो हुआ नहीं है मैडम। टाइमिंग वर्कशॉप के लिए आप कह रहे हैं? इस महीने का जो हम शुरू अभी सैटरडे संडे है नेक्स्ट, बट उसमें सीट्स नहीं है इसलिए आपके पास मैसेज नहीं आया, वो पहले हम लाइव स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं, तो नेक्स्ट मंथ में आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ के रजिस्ट्रेशंस जैसे ही ओपन होंगे तो हम आपको मैसेज करते हैं। ओके, सो वी वर एट ताराचंद जी। हाँ जी ताराचंद जी बोले। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते जी। जी मैम, मैंने ये आपकी जो वीडियोस भेजी है मैं उनको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उसमें ना एक कार्ड आया है द स्टार। ओके, तो द स्टार में ये कहा गया है कि वो अनकंडीशनल कर्म कर रहा है, यानी कि वो जल पानी डाल रही है, तालाब में भी डाल रही है और बाहर भी डाल रही है, और वो बंजर भूमि पर फूल खिला रही है। तो जैसे किसी ने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा
किसी और के लिए, तो वो ये हम किसके ऊपर लागू करेंगे ये कार्ड, ये जिसने पूछा पूछा जा रहा है? अच्छा अच्छा, जिसके लिए सवाल पूछा जा रहा है, मान लेते हैं आपने बोला कि मेरे रिलेटिव के बारे में बताइए, तो ये कार्ड आपका रिलेटिव है अब। जी जी, जैसे कोई रिलेशन में परेशान है वो कहती है मेरा रिलेशन ठीक नहीं चल रहा, तो अनकंडीशनल कर्म कौन कर रहा है, ये कर रही है या उसका हस्बैंड कर रहा है? ये कर रही है, इसने अभी अपने हस्बैंड के बारे में तो पूछा नहीं ना, ये तो रिश्ते के बारे में, तो इसका भी है। मेरा, हाँ, मेरे हस्बैंड से मेरा रिश्ता सही नहीं चल रहा, तो ये मतलब ये कार्ड इसके ऊपर लागू होगा। बिल्कुल जी जी, थैंक यू मैम, बस ये पूछना था जी। मैम एक और बात है जी, हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश कम जानते हैं और आपकी वीडियो के अंदर इंग्लिश बहुत ज्यादा है, तो काफी प्रॉब्लम आती है। मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम, एक्चुअली जब हम पढ़ाते हैं ना तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो जाते हैं। आपको मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम हिंदी के नोट्स भी भेज देंगे, तो वहां से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको जो भी चीज ना समझ आए आप नोट्स में भी देख सकते हो। वो हिंदी के नोट्स आपने भेजे हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार आप इसमें वो कर रही है ना, बता रही है, तो नोट्स में वो चीज नहीं होती। जैसे आप इसमें एक एक चिन्ह का या कलर का वैसा नहीं आ रहा उसमें, ये चीज है वो थोड़ा। देखो अब जो मेरी लैंग्वेज है, जिस तरीके से मैं बोलती हूँ, मैं इतना बिल्कुल टिपिकल हिंदी में नहीं पढ़ा पाती, मिक्स करके पढ़ती हूँ, बट हाँ इतना हिंदी उसमें है कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कोई बिल्कुल ऐसा आपको बिल्कुल ना समझ आए वो आप नोट कर लें और अपने डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं। बहुत से शब्द हैं मैंने नोट करके फिर गूगल से निकाल के उनके अर्थ देख के फिर इधर से आपकी कैसे सुन रहा हूँ, फिर गूगल में जा रहा हूँ, फिर उसके अर्थ देख रहा हूँ, ऐसे करता था मैडम। ओके जी जी, थैंक यू मैडम। ओके जी जी, सैमसंग SM बोले, आपका प्रोफाइल नेम है सैमसंग SM समथिंग समथिंग, अनम्यूट कर लें प्लीज। हैंड रेज ना करें, मैं वन बाय वन सबके डाउट्स लूंगी। सैमसंग SM नॉट देयर। टिंकू मोनी जी बोले, मैम अगर किसी की फीलिंग्स पूछी जाए कि उसकी फीलिंग मेरे लिए क्या है और ट्री ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इसके क्या होगा मैम? उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है फिलहाल, उनका दिल टूटा हुआ है आपकी तरफ से। अच्छा, और अगर ऑब्स्टिकल्स में मान लीजिए वो डायमंड स्प्रेड में ऑब्स्टिकल्स में फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो मैं आप रिस्ट्रिक्टेड हो अपनी थिंकिंग से, नेगेटिव थॉट्स और जजमेंट आए तो ऑब्स्टिकल्स में ही जजमेंट का कार्ड आए तो सेकंड चांस नहीं मिल पा रहा आपको जो आप ढूंढ रहे हो? मैं चाह रही हूं लेकिन नहीं मिल पा रहा। ठीक है, ओके, पूछना है। यस सैमसंग जी बोले, हैंड अपना अनम्यूट करें और बोले। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते जी। मैम मुझे ना ये पूछना है, थोड़ा मुझे ये डाउट आ रहा है, जैसे एस्पेक्ट्स होते हैं, एस्पेक्ट वाइज कार्ड्स हैं, ठीक है, कुछ तो सभी एस्पेक्ट में पॉजिटिव है, कुछ सभी एस्पेक्ट में नेगेटिव नहीं है, तो जैसे क्वेश्चन है कि क्या वो मुझे डिवोर्स देगा? ठीक है, एट ऑफ कप आया, वैसे तो ये नेगेटिव कार्ड है पर क्या वो देगा, तो इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे? बिल्कुल नेगेटिव कार्ड है, नो ही आंसर रहेगा। यस नो में एस्पेक्ट नहीं देखा जाता, यस नो में जनरल इंटरप्रिटेशन में कार्ड पॉजिटिव है तो आंसर इज यस, नेगेटिव है तो आंसर इज नो। ओके, तो फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्या वो सच में सपोज इसको छोड़ देते हैं, क्या उसकी करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए? अब यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, देन वो अपने काम में ज्यादा बिजी है फिलहाल, तो पैसा कमाने में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा आपके टुवर्ड्स अभी कोई इंक्लाइंड है। तो ये एक तरह से नेगेटिव हुआ ना लव के एस्पेक्ट्स से? नेगेटिव क्यों हुआ, आपको चीट तो नहीं कर रहा, धोखा तो नहीं दे रहा? नेगेटिव क्या होता है, जब मैं बोलूं भाई तुमको चीटिंग कर रहा है, तुमको धोखा दे रहा है, तुम्हें छोड़ के जाने की सोच रहा है, वो नेगेटिव होता है। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए एक रिलेशनशिप है अभी वो अपने फिलहाल, वैसे ये माइनर कार्ड है तो कोई ये तो है नहीं कि उसका तो नेचर ही ऐसा है कि वो पैसा ही कमाना चाहता है, सिर्फ प्यार करना ही नहीं चाहता। At the moment he is busy in something earning money, so what is negative with that? Okay, तो मतलब at the moment के बेस पे हम permanent decision नहीं decide कर सकते ना, मतलब कि ये ही thought होगी उसकी कि सिर्फ काम काम काम, नहीं कर सकते। okay, तो change हो जाती है ना भाई। तो मैम फिर हम यही एट ऑफ पेंटिकल्स हेल्थ रिले हेल्थ में भी ऐसे ही कंसिडर करेंगे कि उसका काम में ही ध्यान है, अपनी हेल्थ में ध्यान नहीं है?
ओके मैम, ऑब्स्टिकल्स में ना द लवर का कार्ड आया था, और मैं आपको बताती हूँ, अपने डायमंड स्प्रेड बताया था ना, तो डायमंड स्प्रेड में इसमें आया था हेल्थ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रिलेशन, हाँ थर्ड नंबर रिलेशन में मैंने देखा कि उसमें आया नाइट नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, और ऑब्स्टिकल्स में आया द लवर। तो ऑब्स्टिकल में उसको कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन है ना भाई, वो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स भी बता रहा है रिलेशनशिप खराब है। तो यहाँ पे कोई मैरिटल अफेयर तो नहीं, मतलब हम कंसीडर कर सकते, करना पड़ेगा पूरी रीडिंग से, वी कैन नॉट से लाइक दिस। अच्छा ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। यस, सिया जी बोले, लता बोले, सिया एम केरकर प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। यस, पूनम शर्मा बोले। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये कोई क्वेश्चन जैसे आता है कि रिश्तों में हमारे बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मैं क्या करूं कि जिससे कि ठीक हो जाए, और एस ऑफ वॉन्ड्स आए, तो मैम क्या बोलेंगे? तो वॉन्ड्स कहता है आपको नई शुरुआत की जरूरत है, पहली बात अपनी थॉट्स बदलें और रिश्तों के टुवर्ड्स एक नई बिगनिंग करें इम्प्रूवमेंट्स के लिए, है ना। सो एफर्ट्स की जरूरत है यहाँ पे, कर्मों की जरूरत है मैम। और एक क्वेश्चन है इस तरह के, जैसे आते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड अभी वो मतलब कि क्या कर रहा है, या फिर वो मुझे आज फोन कब तक फोन करेगा, कितने दिन तक फोन करेगा, या मेरे पास कितने दिन तक आएगा, और पेंटाकल्स का कार्ड आए, कोई भी पेंटाकल्स का कार्ड आए, तो क्या बोलेंगे मैम? नहीं आएगा अभी। अच्छा मैम, ये बोलेंगे अगर वो पूछते कि कितना टाइम पीरियड दिखाता है ना। हाँ जी, ये जो क्वेश्चंस होते हैं जब आप टैरो से कुछ पूछते हो, टाइम पास नहीं करना चाहिए। आपने वीडियोस मेरे देखे होंगे, उसमें मैंने आपको सिखाया होगा क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना चाहिए। तो अब आप ये बोलो सूरज कब निकलेगा, और पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, तो क्या सूरज कब निकलेगा? हाँ जी मैम। सो बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन ऑलवेज जज व्हाट आर यू आस्किंग, है ना। अगर आप लिया कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड कब वापस आएगा और पेंटिकल्स का आया, तो हमारी रीडिंग तो यही कह रही है साल से पहले नहीं आएगा। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू जी। आरूप बोले। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, थैंक यू मैडम। आई लर्नड टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम यू, वन इज टैरो एंड इज अनदर न्यूमेरो, एंड आई आल्सो टुडे आई एनरोल्ड फॉर द रेकी। रेकी, ओके ओके। लाइव और वीडियो? लाइव मैम। लाइव, ओके। आपने टैरो लाइव पढ़ा है, न्यूमेरो वीडियो से पढ़ा है ना? हाँ, वो तो बाद में कभी रिसर्च वाला कोर्स कर लेंगे। ओके, तो अभी तो मैंने सोचा कि रेकी थोड़ा पढ़ ले, क्योंकि हमारे प्लस जो क्लाइंट आते हैं ना, हम लोग को सॉल्यूशन भी देना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अगर प्रॉब्लम एडवांटेज सब बोलने से कुछ फायदा नहीं होता है जब तक हम सोल्यूशन नहीं देते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए सोचा कि पहले रेकी कर ले, क्योंकि रेकी में सोल्यूशन है, राइट डिसीजन है। और फिर खुद को भी हीलिंग करना है, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम तो अंदर में है। ठीक है। और मैम मेरे एक प्रॉब्लम एक फेस कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम मेरे क्लाइंट एक था जिसका भी रूट 4 डेस्टिनी 7 था, और मेरा खुद का भी 4 और 7 डेस्टिनी है, रूट 4 डेस्टिनी 7। जब मैं न्यू कंपनी शुरू करने का वो क्वेश्चन डाला था, और मैं भी खुद का एक बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ, तो उसी समय मैंने देखा कि 4 और 7 को दोनों को कौन फ्रेंड मानता है, तो इसी हिसाब से 1 आ गया। ठीक है मैडम, तो 73 मैंने चूज किया, तो 73 के हिसाब से वो दोनों 4 और 7 को मैंने, तो खास करके प्रोफेशन के लिए तो डेस्टिन नंबर को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, तो उसी हिसाब से 73 को मैंने चूज किया। ठीक है। और उसके बाद मैंने देखा कि आगे जाकर 66 भी एक अच्छा नंबर है जो मनी को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है मैडम। यस, तो वो मैंने सोचा कि 73 से ज्यादा 66 से ज्यादा बेहतर है मनी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, तो इसी हिसाब से मैंने उसका नंबर हो गया तो 3 मैडम।
और 3 तो 4 और 7 को न्यूट्रल है मैडम। तो इसी हिसाब से आपके मैरिज वीडियो मैंने देखा लेसन नंबर 8 वीडियो नंबर 8 में जैसे आप बोल रहे हैं कि रूट और डेस्टिनी दोनों घोड़े हैं और ये जो नेम नंबर है वो एक सारथी जैसा है। हाँ जी। तो इसी हिसाब से हम देखें तो अगर मेरा बिजनेस का एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करता हूँ उसका नाम जो देता हूँ वो कैसा होता है अगर वो अच्छा है और मेरा मेरे लिए न्यूट्रल है वो अच्छा जैसे या 73 और मेरे लिए फ्रेंड है वो बेटर चाहिए। ऑब्वियसली बेटर है कि फ्रेंड होना चाहिए, मतलब उसका मीनिंग भी पॉजिटिव हो। ये नहीं हो सकता कि मीनिंग नेगेटिव है और वो फ्रेंड है तो चलेगा, नहीं। गुंडे से दोस्ती करके मुझे क्या प्राप्त होगा, है ना? तो पॉजिटिव भी होना चाहिए और मेरा फ्रेंड होगा तो पहली प्रेफरेंस है, न्यूट्रल सेकंड प्रेफरेंस। अच्छा, तो इसी हिसाब से वो 73 वाला चॉइस ज्यादा बेहतर है। Yes. लेकिन वह 73 में ना वो प्रॉब्लम जैसे है ना वो 1 हो गया, जैसे किसी से हेल्प नहीं लेना, थोड़ा जो 1 वाला जो है नहीं नहीं आप उसमें से ना देखोगे 1 की सारी क्वालिटी आ जाएगी उसमें, ऐसा नहीं होता है। वो रिजल्ट उसका लिखा हुआ है अलग से 73 का अलग। अगर ऐसा होता तो फिर हम 73 का रिजल्ट ही नहीं पढ़ते ना, सिर्फ 1 का रिजल्ट पढ़ते। तो इतना उसमें नहीं जाओ आप, ये देखो 73 पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है। पॉजिटिव है, मेरा फ्रेंड है तो चलेगा मुझको। देयर इसे लिखा गया है दे हैव अ हाई सेल्फ एस्टीम एंड डू नॉट टेक फेवर फ्रॉम अदर्स। ठीक है, अगर बिजनेस में ऐसे करेंगे तो ऐसे हो सकता है कि अच्छा नहीं देना। भाई देखो अगर पॉजिटिव नंबर है और वो कहता है कि वो आपको सक्सेस दिलाएगा तो मुझे जरूरत ही क्यों पड़ेगी फेवर लेने की, मैं खुद ही इस पोजीशन में आ जाऊंगी। तो नंबर लकी है ना, सबसे ज्यादा मायने मेरे लिए वो बात रखती है। तो इसीलिए हम हाँ मेरा कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया, फिर भी आपसे डाउट क्लियर करता हूँ कि हमसे फ्रेंड होना ज्यादा प्रायोरिटी है ज्यादा Then, जो बोज पॉजिटिव एंड तो बिजनेस के लिए वो जितना भी अच्छा हो जाए 66 लेकिन वो फ्रेंड वाला हमको चूज करना ज्यादा। देखो कोई इंसान बहुत अच्छा है, मान लो मैं कहती हूँ वो इंसान फरिश्ता है ना, पर मेरे को सिर्फ नुकसान पहुंचाता है तो फिर मैं क्या करूंगी उसके फरिश्ते होने का, है ना? समझ लो बात को। खीर घर में बड़ी स्वाद बनी आज, बहुत अच्छी बनी है, बस पूछो मत, पर मेरे को डायबिटीज है तो मुझे क्या करना है उस खीर का फिर, है ना? तो नंबर कितना भी अच्छा हो अगर वो मुझसे ही फ्रेंड नहीं है तो मेरे लिए तो किसी काम का नहीं। यस मैम, और एक क्वेश्चन था वो रेकी वाले के लिए, वो रेकी वाला जो कोर्स हम ले रखे हैं जो मिड जुलाई में शुरू होने वाला है उसमें जो रेकी में 3 स्टेज है 1 2 3 तो हमको कौन सा कोर्स मिलेगा? स्टेज नहीं होते रेकी में, 5 स्टेजेस होते हैं और ये लेवल 1 और 2 होगा क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि आप पहले लेवल 1 और 2 करते हो, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करते हो 6 महीना तब आगे जा सकते हो और 1 और 2 से आपका हीलिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, तो उसमें हम क्लाइंट को सॉल्यूशन क्या क्या सब दे सकते हो? वो सब दे सकते हो लेकिन उसके लिए आपको मुझसे आपको अलग से बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड वालों का डाउट सेशन है ना। वो बात करने के लिए तो टाइम में आपको चाहिए। नहीं नहीं, आप मैं आपको रिवर्ट कर दूंगी, आप मुझे व्हाट्सएप डाल के छोड़ दो कि मैंने रेकी के लिए रजिस्टर किया है और आप मुझसे बात कर लेना, मैं आपको कॉल कर लूँ। अच्छा ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। यस निधि बोले। लाउडर, मुझे नहीं कुछ सुनाई दे रहा। Okay. There are 2 cards for either job or business, and the cards are 6 of Swords and 7 of Wands. So, what can we choose here? Both are negative cards. Yes, right? Both are negative, and in this, we'll tell the client to wait for some time. We'll say the time is not favorable right now, so you should not make any changes. अभी जो कर रहे हो वो करते रहो। 6 से 8 महीने बाद सोचना क्या करना चाहिए। Okay, and if the card is judgment and 5 of cups, so here can we choose 5 of cups? Judgment or 5? Yes, 5 of cups because negative and dono future ke liye, to main chahungi kam negativity ko main chunu, yeah. Minor card ko chunenge. Yes.
Okay, and if the both the cards are positive, 10 of cups and the 6 of wands, so can we choose 6 of wands because the aspect is career? Yes. Okay, so if the aspect was different, then we'll go for higher number cards, so 10 of cups. Yes. Okay, and ma'am, in obstacle, what does ace of swords mean? कि आप ब्लॉक्ड हो, नई आपको सोच जो नई चाहिए वो नहीं आ पा रही. Okay, and in a lover spread, the final outcome was the page of cups. It is a positive card, but the person is careless and irresponsible with the relationship. So, final outcome, what can we say? We'll say that ठीक है, आपसे loyal रहेगा, वो सारी बात है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, maturity नहीं होगी, commits नहीं करेगा. Okay, I mean the relationship will not break, right? Final outcome. Okay, ma'am. And I also wanted to ask about the timing workshop. So next month. For next month okay. workshop, or if we have too many inquiries or too many registrations, we can do it at the end also. So I will ask my team to message you for that timing workshop, and accordingly you will see. Okay. Right? Thank you. Ji, Seema ji, bole. हाँ यस मैम मैम आपको बहुत दिन के बाद देखने के बाद बहुत अच्छा लगा मैम थैंक यू जी हाँ और मैम न्यूमरोलॉजी का जैसे अपना एक ग्रिड रहता है बेसिक उससे तो हमें अपना नेचर पता चलता है ठीक और अंतरदशा और महादशा से जो जो आएंगे उससे हमारा मतलब इफेक्ट होगा कि क्या क्या होने वाला है इवेंट प्रेडिक्शन वहां से होगी हाँ हाँ इवेंट होगा मतलब ये टाइम में ये हो सकता है yes. जैसे मैम 23 में 3 और आएगी आपकी सपोज महादशा है 3 की और अंतरदशा 9 आ रहा है तो वो तो ठीक है 24 में मैम 3 की तो महादशा चल रही लेकिन अंतरदशा 5 है तो इसमें ना 9 ऑलरेडी है और 5 आ रही है अंतरदशा तो इसमें जो धोखा मिल सकता है कि नहीं, दे नहीं, सिंगल 9 सिंगल 5 में हमें इतने डरने की जरूरत नहीं होती वो सिर्फ ये कहता है आपका दिमाग पैसे के टुवर्ड्स चलने लग जाएगा आप नए काम करोगे जिससे पैसा आएगा बिजनेस मतलब स्टार्ट हो सकता है अच्छा हो सकता है यस मनी वाइज और ऑलरेडी 6 है जैसे तो अच्छा रहेगा सपोज यस और मैम और एक 26 में जैसे हम देखेंगे तो 9th ऑलरेडी है और 4 की महादशा आने वाली है और ना 6 की 6 ऑलरेडी है और 6 की अंतरदशा है मतलब डबल 6 हो जाएगा और 4 की महादशा आएगी तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम जैसे इश्यूज आएंगे उसको बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे ना कोर्ट के जेल के वो सब हो सकता है कि मैम जेल तक नहीं जाते हैं कोर्ट केस हो सकते हैं लड़ाइयां बढ़ सकती हैं रिलेशनशिप में टेंशन बढ़ सकती हैं और ये हेल्थ इश्यूज भी बता सकता है डिटेल रीडिंग करनी पड़ेगी हाँ डबल 6 मैम मतलब लेडीज के साथ झगड़े हो सकते हैं ना Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Yeah. और मैम पूछना था एक और जैसे रेखी का हम अगर जैसे रिकॉर्डेड लेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि मतलब कर सकते हम कि लाइव देखो आप जितने भी यहाँ पे हो सब वीडियो रिकॉर्डेड के ही हो आप सबको समझ में आ ही रहा है प्रैक्टिस कर ही रहे हैं आराम रेखी का पूछ रही थी रेखी में ऐसे कोई नहीं ना रिकॉर्डेड भी ले सकते हम रिकॉर्डेड हाँ बिल्कुल कर सकते हो अट्यूनमेंट उसमें भी लाइव होती है अट्यूनमेंट की जरूरत है लाइव की बाकी चीजें तो रिकॉर्डेड में समझ आई जाएंगी वो अट्यूनमेंट उसमें भी लाइव ही होती ओके ओके मैम ओके मैम थैंक यू जी जी मनन बत्रा बोले गुड मॉर्निंग मैम मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम यस और नो के बारे में बता सकते हो मैम क्या है क्योंकि मैम मेरे ज्यादा पार्ट स्किप हो गया था तो मुझे पता नहीं यस और नो क्या है यस और नो क्या है मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या है हाँ मैम क्या है यस और नो ये कार्ड यस है ये कार्ड नो है मेरा इंटरव्यू है क्या मैं पास हो जाऊंगा तो यस नो क्वेश्चन है ये इसमें पॉजिटिव कार्ड आएगा तो हम कहेंगे यस हो जाओगे नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे नो नहीं होंगे ठीक है मैम और मैम ये पूछना था कि प्रैक्टिस मैम कैसे करनी है मतलब कि क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कैसे करें वो आपको खुद से करनी पड़ेगी क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड में लाइव प्रैक्टिस नहीं होती अगर आप टैरो प्रैक्टिस क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो हम नेक्स्ट मंथ से शुरू करेंगे उसमें आप प्रैक्टिस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो ठीक है मैम बस मैम यही पूछना था ओके जी राखी जी बोले राखी नो श्रेया बोले हाँ जी हेलो मैम हैप्पी बर्थडे मैम थैंक यू बट वो 30 जून को था
जी हाँ जी बोले, मैं बोलू मैम, मैं बोलू, हाँ हाँ दो श्रेयाएं मैं एक एक करके आपके यू नो सीरियल के हिसाब से आ रही हूँ, सो हाँ आप बोले। मैम पहले तो ना मुझे ये बात करनी है कि देखो मैंने मेरे हिसाब से तो बहुत स्टडी किया जितना मुझे जब रहा है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ तो भी मिसिंग लग रहा है, जैसा कॉन्फिडेंस मुझे टैरोट में है ना वैसे कॉन्फिडेंस इसमें आ नहीं रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? न्यूमेरोलॉजी किया है आपने वीडियो से? हाँ किया है, तो उसमें आपको बहुत सारी ग्रिड्स पे प्रैक्टिस करनी है कॉन्फिडेंस के। नहीं जब भी मैंने अभी देखो जितना ग्रेड लिया ना उसमें हम लोगों को सिर्फ दो ही नंबर मिलते हैं, एक पहला तो है हम लोगों को पर्सन है उसका हैबिट क्या हो सकता है, वो उसका नेचर कैसा है वो पता चलता है, उसके बाद में पूरे साल के लिए हम लोगों को दो नंबर मिलते हैं, तो वो हिसाब से मुझे लग रहा है मैं किधर कम हो सकती हूँ, मैंने मेरे तरफ से तो पूरा स्टडी करने की कोशिश की लेकिन फिर भी ऐसा कुछ तो भी मिसिंग लगता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हो, एक तो पहली चीज आप सेग्रीगेट करें, जैसे आप साल में आपसे क्या पूछने आएगा कोई, मैरिज चाइल्ड बर्थ हम न्यूमेरोलॉजी से कर नहीं सकते, उसको छोड़ दें, कोई पैसे के बारे में पूछने आएगा, हेल्थ के बारे में पूछने आएगा, कोई लिटिगेशन तो नहीं हो सकता, मैं प्रॉपर्टी ले सकता हूँ या व्हीकल ले सकता हूँ, ये सवाल बना लें और उनको आंसर करें हर साल में। और अगर आप फर्दर जाना चाहते हो इसमें कि नहीं मुझे तो साल से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, मुझे तो मंथ के रिजल्ट्स भी चाहिए, मंथली भी तो न्यूमेरोलॉजी रिसर्च होता है, वो कर सकते हो आप। अच्छा उसमें मंथली भी मिलेगा? मंथली भी होता है और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, आपको पैम्फलेट मिला होगा, नहीं मिला है? हाँ हम लोगों ने पहले मैंने आपको पूछा था तो आप बोले थे कि ये बेसिक करना पड़ेगा, फिर वो बेसिक के बाद ही हो सकता है वो, तो ऑब्वियसली वो तो अच्छा ओके बिल्कुल, तो ये ऐसा क्लॉक नहीं अवेलेबल है ना, वो अलग से ही करना पड़ेगा ऑनलाइन में नहीं, अलग से, और वो वीडियो रिकॉर्डेड में हो भी नहीं सकता, वो एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस वाला कोर्स है तो वो रिकॉर्डेड से नहीं हो सकता, वो लाइव ही होता। एक बात तो मुझे बहुत अच्छे से न्यूमरोलॉजी से पता चली कि क्लाइंट का जब भी कोई होता है लेना है तो ग्रीड मंगाते है ना, तो उसको कैसे हैंडल करना है वो पता चल जाता है, जब यही सीख लिया ना जीवन में तो जीवन ही सफल हो गया, क्योंकि क्लाइंट ये ना मुझे अब अपने आसपास के लोगों को टैकल करना भी आ गया, और जब वो आ तो फिर प्रॉब्लम है ही नहीं, तो न्यूमेरोलॉजी का यही है कि आपको लोगों को टैकल करना आ जाता है। हमारी आज की दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, कि मुझसे मेरा बच्चा नहीं संभल रहा, पति नहीं संभल रहा, सास नहीं संभल रही, कोई ना कोई यही प्रॉब्लम है ना, जब ये प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कर ली तो बाकी तो हो ही जाएंगे। और मैम मैंने मैंने ऐसे समझा कि अगर स्टडी करने के लिए मैंने हेल्थ नंबर अलग निकाले, मनी नंबर अलग निकाले, ये नॉलेज के नंबर है, ये नंबर फाइट के है, तो वो स्टडी करने में हेल्प करेंगे वैसे अगर देखते हैं तो जी ओके। और मेरी ग्रीड ना बहुत ही अजीब है, वो देख के ना मुझे बहुत ऐसे मन में मैं ऐसे हूँ क्या, ऐसे मुझे ये होने लगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव हर ग्रीड में पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, ऐसे जनरल एनालिसिस मत करो, सवाल का जो जवाब ढूंढना है वो ढूंढो, है ना, वरना क्या होता है फिर हम जबरदस्ती लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसको अट्रैक्ट करते रहते हैं, ये ऐसा है ये ऐसा, वो उसकी जरूरत नहीं है, जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब ढूंढिए बस, दैट इज इट। ओके अभी मेरे पास एक ग्रीड है, 33 है, 22 है, 4 है, 9 है, और उसमें 7 और 5 ऐड हो रहा है, और तो इसका मतलब ये बंदा जो है अभी पैसे की तरफ तो बहुत ही अट्रैक्ट हो जाएगा, उसमें 337 और 9 भी है, तो इसमें अभी ब्लेसिंग भी आ गया है वो टाइम के लिए, तो भाग्य का साथ भी है, इसका पैसा भी बढ़ रहा है, इसका जो इमोशंस का एक्सप्रेशंस नहीं बोल सकते लेकिन उसमें दिखावे गिरी भी अभी आएगी, हेल्थ भी ठीक रहेगा, ऐसे ऐसे ही हम लोग देखेंगे पूरा। हाँ जी बिल्कुल ओके। और मैम वो 108 का सीक्रेट अगर बता देंगे तो अच्छा रहेगा, आपने एक वीडियो में बोला है। हाँ अभी बता देंगे, पहले डाउट्स ले लें फिर बता देते हैं, ठीक है? यस श्रेया, नेक्स्ट श्रेया, सुमन बोले। हाय मैम, आई हैव अ बैड थ्रोट, आई होप यू अंडरस्टैंड मी। कोई बात नहीं मैम, तो मैंने रिकॉर्डिंग देखी, जो स्प्रेड वाला पार्ट है आपने उसमें तीन बताया था, यस नो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्प्रेड एंड डायमंड स्प्रेड। डायमंड स्प्रेड हमें खुद जब कोई नहीं पूछता है तो आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग, मुझे डाउट आ रहा है। डायमंड में ये था, यस नो में तो था कि जो आपका यस और नो आपने पूछा, और एक अभी क्वेश्चन था जिसमें इंटरप्रिटेशन, अगर
बाय चांस वो पूछ रहे हैं तो वो साथ साथ में ही पूछने लग जाते हैं, तो हाउ डू आई डू इट? लाइक अगर उन्होंने पूछा और कार्ड्स निकाल, अच्छा तो मतलब मैंने कार्ड स्प्रेड किया चार्ज करके, उन्होंने पूछा माई शादी कैसी चलेगी, तो यस एंड नो हो गया ये? नहीं, फिर उन्होंने पूछा नॉट यस नो, कैसी चलेगी तो इंटरप्रिटेशन है ना भाई। अच्छा सपोज जॉब मिलेगी ये वाली या नहीं मिलेगी, वो यस नो है, ठीक है कैसी चलेगी ये हमारी इंटरप्रिटेशन होगी, तो उसके लिए मैंने दूसरा कार्ड, बट वो दोबारा मुझे स्प्रेड करके निकाला। जब तक क्लाइंट सेम है मुझे दोबारा स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है, मैं उसके उसी में से निकालती रहूंगी क्वेश्चन के आंसर, तीन चार मैं निकाल के फिर चेंज कर लूंगी, अदरवाइज सारे कार्ड निकल जाए। फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला एक होता है जिसके अंदर हमने तीन कार्ड्स निकाला, एक पास्ट एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर का बताया। डायमंड स्प्रेड जो हम बहुत हार्डली करते हैं वो खुद से निकाला हमने की हेल्थ ऑब्स्टिकल करियर वो सब कैसे होते हैं। मैम एक जो यहाँ पे मैं हर जगह सुन रही थी कि दो कार्ड्स निकल रहे हैं उसमें से चूज करना है, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है। नहीं है ना, पहले वीडियो पूरी देखो तब समझ आएगा, बिकॉज वीडियोस जब पूरी देखोगे, जैसे आप तीन स्प्रेड्स की बात कर रहे हो उसमें आठ नौ स्प्रेड्स हैं, पहले पूरी देखो तो आपको ये आंसर्स मिलेंगे। अच्छा ठीक है। फिर मैम एक जैसे मैं कार्ड निकाला था तो उसमें जो द वर्ल्ड का कार्ड आया था तो उसमें उन्होंने पूछा कि हेल्थ कैसा रहेगा, तो इसमें वही है कि आपको सब कुछ मिल गया देन डिटैचमेंट, तो हेल्थ से रिलेटेड मैंने ऐसे बोला कि अच्छा रहेगा, तो ये ठीक था आंसर कि हेल्थ आपका ठीक रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक क्वेश्चन कार्ड निकाला उन्होंने पूछा था कि हेल्थ ये आया था कि एडुकेशन किस सेक्टर में हम जाएंगे, कि एडुकेशन के किस सेक्टर में जाएंगे, वी कैन नॉट टेल दैट। तो मैम वैसे मैं क्या बोलूं अगर क्लाइंट पूछे तो? चॉइसेस क्लाइंट को देने पड़ेंगे, देखो हर सब्जेक्ट का अपना काम होता है ना, ये काम इसका है ही नहीं। चॉइस या तो आप दो हम चूज कर सकते हैं, या आपको अपने आप से बताना है किस सेक्टर, दैट इज द वर्क ऑफ न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। अच्छा एक क्वेश्चन था कि क्या मैं बाहर जाऊंगी, लाइक विल आई गो अब्रॉड, द टावर कार्ड आया तो अचानक से डाउनफॉल हो गया, आपका अच्छा बन रहा था तो इसका यही आंसर दिया। एक मिनट रुको। फर्स्ट आप पहले पूरी वीडियोस देखो, सेकेंडली दिस इज अ डाउट सेशन, वी विल नॉट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हियर। अगर हम ऐसे करेंगे तो मुझे सबके साथ करना चाहिए, right? will object to this. आप डाउट्स पूछेंगे अपने यहाँ पे, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस क्लासेस ज्वाइन कीजिए या आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए। और पहले मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि पूरी वीडियोस देखिए, क्योंकि आज से ज्यादा आंसर आपको वहां मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, यस हम वापस आते हैं। नंदी जी बोले, मिसेस पी नंदी। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, मुझे हॉरोस्कोप रीडिंग में एक क्वेश्चन पूछना था। वो जो लास्ट 21 का जो वीडियो है रिकॉर्डेड, वो उसमें मैंने देखा कि हॉरोस्कोप के लिए टोटल 12 कार्ड्स हैं, तो आफ्टर फैनिंग आउट आई विल पिक अप वन वन कार्ड फॉर ईच भाव जी। हाँ, अगर एक एक भाव में कोई प्रॉब्लम है तो हम रेमेडी कैसे दे, फिर से कोई रेमेडी का कार्ड निकाले या फिर वही कार्ड का इंटरप्रेट करें? नहीं, रेमेडी करना चाहते हैं तो रेमेडी का अलग कार्ड निकलेगा, तो वो कार्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव जो नंबर है उस हिसाब से रेमेडी दे, स्टोन या फिर क्रिस्टल ये सब सजेस्ट कर सकती हूँ। यस और एक चीज मैम पूछना था कि विदाउट कंसेंट हम किसी की टैरो रीडिंग कर सकते हैं? देखो करनी तो नहीं चाहिए, जब किसी ने कुछ पूछा नहीं है तो मुझे क्यों जानना है वो चीज, है ना। पर हाँ इन केसेस लाइक मान लीजिए कि मेरा कोई रिलेटिव है वो बड़ा परेशान है, अब मेरा भी तो रिलेटिव है ना, तो हो सकता है भाई मैं भी कुछ जानना चाहूँ उनके लिए, तो मनाही नहीं है, मैं कर सकती हूँ, बट इट इज ऑलवेज सेड कि जब कोई कुछ पूछे तो आपको करनी चाहिए। अच्छा और मैम जो डिस्टेंस रीडिंग होते हैं तो हम जो डिस्टेंस में मींस बेसिकली साइट्स में क्या होते हैं ना, लोग एक्चुअल नाम नहीं देते, सिर्फ इनिशियल या फिर ऐसा कोई उल्टा पुल्टा नाम दे के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उससे क्या सही रीडिंग आते हैं? हम कनेक्ट कर सकते हैं भाई, देखो पहली बात ये है टैरो जो है एक ट्रस्ट है, एक बिलीफ है। अगर आप मुझ पे इतना भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि मुझे अपना नाम बता सको तो मेरी रीडिंग पे क्या ट्रस्ट करोगे, है ना। फर्स्ट मुझे ऐसा लगता है लॉजिक। दूसरा ये है कि अच्छा ठीक है अगर आपको नहीं बताना है, यू वांट टू कीप इट हिडन, तो भी हम रीड कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन हाँ मैं हमेशा ये बोलती हूँ रीडिंग करने से पहले आप क्लाइंट से पूछें आपका क्या नाम है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मुझे होनी चाहिए।
और मैम वो सेलेनाइट जो क्रिस्टल है, मैंने बिफोर नेक्स्ट रीडिंग कैन आई कीप इट प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द टैरोट? इफ ओनली इफ यू नो हाउ टू चार्ज एंड क्लीन क्रिस्टल्स यू शुड यूज देम, अदरवाइज वो अगर फायदा कर सकते हैं तो नुकसान भी कर सकते हैं. मीन्स वो जो आपने चोपड़े का टेक्निक दिखाया था, दैट इज नो, वो कोई आप रेकी अट्यून्ड जब तक नहीं हो उसको आप क्रिस्टल्स पे यूज नहीं कर सकते. ओ मीन्स वो मैं हाथ से कर सकती हूँ ना मैम, वो जैसे आपने सिखाया कर सकते हो. अगर आप क्रिस्टल को अपनी प्रोटेक्शन के लिए सिद्ध करना चाहते हो, अपनी रीडिंग्स में रखना चाहते हो, तो आपको कोई ना कोई एनर्जी हीलिंग आनी चाहिए, या फिर किसी से करवाओ. जैसे आप स्टोन लेते हो अभिमंत्रित करवाते हो, ऐसे क्रिस्टल भी कर सकते. ओके और मैम नंबर का वाइब्रेशंस कितने दिनों में मालूम चलता है? मींस मैंने 5 नंबर का लॉकेट डाला है मेरे साथ, क्या होता है? मुझे वही जानना था कि नंबर का वाइब्रेशन रेमेडी बताइए, तो जिसने बताई है उससे पूछना पड़ेगा आपको. मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होता है. मैं 9 के 9 नंबर्स पहन लूं तो वो आ जाएंगे क्या मेरी लाइफ में? ऐसे थोड़ी ना होता. आई डोंट थिंक इट विल वर्क. ओके यस, हाँ जी पूर्वी बोले. मैम अगर कोई हमसे क्वेश्चन करने आता है कि मेरे पति का बिजनेस चलेगा क्या नहीं, मतलब किसी दूसरे पर्सन के लिए, तो जो हम कार्ड चार्ज करेंगे तो वो जिनके बारे में पूछ रहे उनके नाम से चार्ज करेंगे, राइट? और इसमें टाइमिंग वगैरह का कुछ है कि 7 बजे के बाद शाम को रीडिंग ऐसे कुछ नहीं है? और अगर हम माइंड से कभी स्टेबल नहीं है, हेडेक है या तबीयत खराब है, तो हम रीडिंग नहीं कर सकते ना? करनी नहीं. ओके तो अगर हम रीडिंग करने जब स्टार्टिंग में बैठते हैं तो क्या हम टैरो से गाइडेंस ले सकते हैं कि मेरी एनर्जी चेक करके बताओ कि मैं रीडिंग करने के स्टेट में हूँ या नहीं? करता नहीं है, मन है आपका तो कोई मनाई भी नहीं है. अच्छा ओके. और एक ये था कि रेकी में अगर किसी के बड़े केस है, मतलब ज्यादा हेल्थ इश्यूज है, तो क्या हम टैरो से गाइडेंस ले सकते हैं कि अगर ये इतना स्पेंड करेंगे तो इनके ऊपर रेकी वर्क करेगी या नहीं, या सर इनको करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए हीलिंग? तो फिर उनके इतने सारे पैसे, मतलब अगर वो खर्च करेंगे और फिर रिजल्ट नहीं आया तो टैरो से गाइडेंस यू कैन, यस. तो यस नो, अगर यस आया तो उनको बोलेंगे कि हाँ आप करवाओ, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा. ओके निराली बोले. मैम आफ्टर द साधना वी कैन स्टार्ट डूइंग द सिद्धि फॉर क्रिस्टल्स, टैरो, विश बुक साइमल्टेनियसली? यस यस, साइमल्टेनियसली आल्सो यू कैन. यस ओके. मीनू जी बोले. मीनू सिरोही जी बोले. हेलो मैम नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया. मैम एक तो मुझे ये पूछना था कि मैंने ना वो प्रैक्टिस किया था न्यूमरोलॉजी वाला ना, मैंने आपसे क्लासेस ली थी लाइव तभी, तो 9 नंबर अगर बार बार ग्रिड में आ जाता है, क्योंकि मैंने एक्सीडेंट के कुछ केसेस में देखा कि 9 आ रहा है तो एक्सीडेंट हुआ है, तो 9 एक्सीडेंट, तो क्या ये सही है? बिल्कुल ओके. मार्स का नंबर है, मार्स सर्जरी भी दिखाता है, मार्स रैश ड्राइविंग भी दिखाता है, एक्सीडेंट भी दिखाता है. ठीक है मैम, ठीक है जी. और मैम दूसरा ये कि आपका जो ये प्रैक्टिस सेशन जो टैरो वाले स्टार्ट होंगे, तो ये कितनी क्लासेस होंगी इसमें? वो सब आपको पता लगेगा, अभी हम मैसेज करेंगे ना सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है मैम, मैं सोच ही रही थी कि मैम स्टार्ट कर देंगे, लगता है रेकी का ही असर हो गया. आपने सुन लिया. नहीं करेंगे, अभी आपके पास मैसेज आ जाएंगे 2-3 दिन. ठीक है मैम, थैंक यू जी. दीक्षा दरवाल जी बोले. मैम एक्चुअली मैंने अभी कार्ड परचेस किए हैं, तो मुझे बस ये जानना था कि मेरे कार्ड ओरिजिनल है क्या? हाँ ओरिजिनल है. Yes. जी ओरिजिनल. और मैम जो टैरो की प्रैक्टिस क्लास आप लेने वाले हैं, ये कब तक के लिए रहेगी, मतलब हाउ लॉन्ग? तो बता देंगे, पर मंथ होगी वो, जिसको जितने टाइम के लिए आना है ना. भाई तुम्हें 2 महीने में कॉन्फिडेंस आ गया, छोड़ दो. वाई टू अननेसेसरली पुट मनी? किसी को 1 महीने में कॉन्फिडेंस आ गया, छोड़ दो. वो स्पेशली हमने आप जिन लोगों, जैसे वीडियो रिकॉर्डेड के मेरे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं के लिए बनाई है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं मिल पाती, तो उन्हें लगता है कि हमें थोड़ी प्रैक्टिस मिल जाए, तो उनके लिए लाइफ के भी जो करना चाहते हैं उन्हीं के लिए बनाई है. तो वो आपकी मर्जी है टोटली, कितना टाइम आप उसको करना चाहते हैं, राइट? ओके यस. नेहा जी बोले. नेहा बब्बर. गुड आफ्टरनून मैम. मैम मैं ये कह रही थी कि जैसे रेकी मैंने की थी और अब टैरो भी किया है,
अब रेकी के बाद जैसे अभी तो साधना के 5 दिन रह गए हैं, उसके कंप्लीट होने के बाद जब मैं टैरो का काम करना शुरू करूंगी, तो जैसे चार्ज हम करते हैं टैरो को, मानो क्लीन किया सब कुछ जो आपने बताया था, तो क्या हाथ में फिर हम अपने फ्लो को रोक सकते हैं या होने दें? नहीं, क्लोज करना है मुझे, जब काम मेरा हो गया मुझे फ्लो फेस नहीं करना है, क्लोज करना है अच्छे से। नहीं, जैसे चार्ज किया और मैं देखना शुरू करी, मैंने मतलब रीडिंग करना शुरू किया, तो रीडिंग खत्म होने के बाद फ्लो को रोकना है या उस बस चार्ज करने के बाद क्लोज करना है? अच्छा अच्छा, मतलब तब तक कर सकते हैं, ठीक है। और मैम एक चीज कह रही थी, अगर मान ली साधना के बीच में अगर एक दिन मैं मेंटेनेंस नहीं कर पाई तो उससे कोई ऐसा इशू तो नहीं आएगा? कोई ऐसी सजा नहीं है, कोशिश करनी चाहिए रेगुलर करने की, बट अगर मुझे एक दिन मान लो बहुत मैं बिजी हो गई, अर्जेंट काम है कुछ है, तो कोई बात, ठीक है। ठीक है, आपने दोनों कोर्सेज वीडियो से ही पढ़े? हाँ जी मैम। अच्छे से समझ आ गए आपको? मैम मैं बार बार आपकी रिकॉर्डिंग देखती रहती हूँ, मतलब क्योंकि कहते हैं ना मैम आपके दिमाग में चीजें भर गई हैं, जैसे आपको ऑब्वियसली वो बार बार देखोगे, उस वीडियो रिकॉर्डेड का फायदा यही होता है कि वो रिकॉर्डिंग्स आपके पास हैं तो आप उन्हें बार बार देख सकते। मैम अभी तो जैसे साधना का मैंने किया था तो अभी वो चीज क्या है, दिमाग में भर गई है, लेकिन अभी कैसे? एक और ये सवाल था कि जब मैं लोगों को मतलब रेकी देनी शुरू करूंगी अपनी फैमिली में ही, तो पहले मैं अपने आप को सारा करूंगी, चार्ज करूंगी, उसके बाद सीधे मैं उनको वही सिंबल बना के चार्ज करके रेकी देना शुरू करूंगी? बिल्कुल दे सकते, ठीक है। मैम अभी एक्चुअली वो शुरू नहीं किया ना, तो थोड़ा सा अभी एक्सपीरियंस नहीं है, जब वो करूंगी ना धीरे धीरे करोगे आ जाएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम जी। यस पूनम शर्मा जी बोले। पूनम शर्मा मैम, मेरा क्वेश्चन था कि अगर फोर ऑफ पेंटेकल्स में करियर के बारे में क्या बोलेंगे, करियर का कार्ड आता है फोर ऑफ पेंटेकल्स, क्या बताता है फोर ऑफ पेंटेकल्स? मैम फोर ऑफ पेंटेकल्स तो ये बताता है कि सोर्स ऑफ इनकम है, पैसा भी बहुत है, ऑब्सेस हो गए हैं कहीं ना कहीं। करियर हमें किस लिए चाहिए होता है? पैसे के लिए, पैसा बहुत, करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है मैम। और मैम अगर फाइव ऑफ पेंटेकल्स में आए करियर से रिलेटेड, क्या बताता है फाइव ऑफ पेंटिकल्स? मैम उसमें आपने ये बताया था कि की भी अपॉर्चुनिटी है, बट पहले रिश्तों को अपने सुधारो। नहीं, तो आपने गलत सुना है, आपको दोबारा सुनना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं बताया हमने। फाइव ऑफ पेंटिकल्स आप लास्ट लाइन सबसे पहले बोल रहे हो ना, इससे पहले 10 लाइनें और थी, वो कहाँ गई? मैंने तो यही सुना था, दोबारा सुनिए। ये कार्ड बताता है कि आपको फाइनेंशियल इश्यूज होंगे और आपकी हेल्थ भी खराब होगी, तो आपका करियर अच्छा नहीं चलेगा। ओके मैम, ओके ठीक है। यस आरूप बोले। सॉरी मैडम, थोड़ा छूट गया एक क्वेश्चन, मेरा मन में बार बार आता है, जैसे कि आप बोले हैं कि बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन के लिए 5 मनी को अट्रैक्ट करता है और 6 भी एक है अट्रैक्शन के लिए, 2 अट्रैक्शन के लिए, ठीक है, और बाकी भी नंबर है जो मनी को भी अट्रैक्ट करता है, जैसे कि 1 अट्रैक्ट करता है, 4 भी मनी के लिए अच्छा है, 3 भी अच्छा है, 7 और 2 न्यूट्रल है, जैसे आप बोल रखे थे। अगर मेरे ग्रेड में 5, 6, 2 नहीं है, तो अगर मैं बिजनेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या मैडम? नहीं कर सकते, फाइनेंस के नंबर ही नहीं है, फाइनेंस के नंबर 1 भी है, पॉजिटिव 5 भी है, पॉजिटिव 8 भी है, डेस्टिनी 6 भी है, इनमें से कुछ भी हो, और चलो ये सब ना भी हो तो मैं कहती हूँ कि मैं मिलियनेयर बिलियनेयर नहीं बन सकती, पर बिजनेस तो कर ही सकती हूँ। बिजनेस करने के लिए मुझे एक प्रैक्टिकल माइंड चाहिए, तो जब मैं ग्रिड को जज करूंगी मेरा इंक्लिनेशन प्रैक्टिकल होना चाहिए, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। वो प्रैक्टिकल अच्छा रहेगा, पॉजिटिव 1 होगा तो अच्छा है, फिर 4 भी तो बिजनेस के लिए, 4 को भी हम लेते हैं, प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक नंबर है, 1 नंबर तो खुद फाइनेंस का नंबर भी है, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, और एक क्वेश्चन था, अगर डेस्टिनी 7 होता है, वो अकल साइंस में तो अच्छा है मैडम, वो अकल साइंस में अच्छा, बिल्कुल क्योंकि अभी तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है वो प्रोफेशन, तो इसीलिए मैं पूछ रखा हूँ। बिल्कुल है, बिल्कुल डेस्टिनी 7 तो आपको पता है 7 नंबर तो है ही ऑकल्ट का। हाँ, पॉजिटिव भी है, सिंगल डेस्टिनी 7 बिल्कुल कर सकते जी। कामाक्षी जी बोले। मैम वो जो आपने मैं पीडीएफ दिए थी उसमें अंदर के की एक्सप्लेनेशन नहीं थी, के अल्फाबेट आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं चेक करवा देती हूँ, आप मैसेज डाल दीजिए एक बार, है ना? ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। यस सैमसंग एसएम बोले। मैम जब मैं शफल करती हूँ ना कार्ड्स को हाथों में ही,
तो मुझे ना बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन सा कार्ड निकालूं, मैं डिसाइड नहीं कर पाती। शफल करके तो पहले तो स्प्रेड करना है ना, शफल करके स्प्रेड कर दो, फिर अगर आपको कंफ्यूजन रहता है, दिमाग में एंजाइटी हो रही है, तो पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करो, ग्राउंडिंग सिखाई थी ना आपको। हाँ जी, ग्राउंडिंग हाँ जी। करो पहले और फिर जो कार्ड मन में आ रहा है उसको पुल कर लो। मैम जैसे आप कार्ड कह रहे हो ना कि शफल करके हम स्प्रेड कर देते हैं टेबल पर, ठीक है, अब जैसे मेरे पास टेबल पे मैं नहीं कर पाती हूँ, हाथों में करते हैं ना हम शफल फिर कट, वी डोंट अप्रिशिएट दैट, आपको फैन करने पड़ेंगे पहले कार्ड्स। हाथों में क्या होता है, हम ज्यादातर एंड अप हो जाते हैं या तो ऊपर का कार्ड निकाल के या बीच का कार्ड, जी वही प्रॉब्लम आती है। चॉइस ही नहीं दी मुझे 78 कार्ड्स की, तो दैट इज ऐसे हम अप्रिशिएट नहीं करते, आपको पहले कार्ड्स को फैन करना पड़ेगा। टेबल नहीं है तो चौकी लगा लो, चौकी लगा के कपड़ा बिछा लो, पर फैन करने पड़ेंगे कार्ड्स तब पुल करेंगे, उससे मतलब ज्यादा बेटर रीडिंग आती है। यस अच्छा ठीक है मैम, ओके थैंक यू। यस निराली बोले। Ma'am, I had ordered a deck earlier and I had received this card and then I again ordered this. That one is original. The second one is the original. Okay. Yes. And ma'am, for tarot reading, is it compulsory to be in one position as in one space or we can... It is always appreciated to be in one space. Why? बिकॉज वहाँ की एनर्जीज ही वैसी हो जाती है। आप देखो कि पुराने टाइम पे आप बोलते थे वो पंडित के पास जाना है वो बताएंगे, तो कहते थे गद्दी पे बैठेंगे तो बताएंगे, है ना, तो अब वो गद्दी में तो और कुछ तो नहीं था, क्या था, एक वो उनका वो स्पेस है, वो एनर्जी है वहां पे, है ना। सिमिलरली इट इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड कि आप एक जगह पे बैठ के रीडिंग करें। हैविंग सेड दैट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मान लो मैं कहीं बाहर जा रही हूँ मुझे वहां करनी है रीडिंग तो भी मैं कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑन अ डे टू डे बेसिस जो आप अपना काम करते हो वो एक जगह पे करोगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। It's okay if we are doing it on our personal bed itself or it has to be a particular study table? We should not do on bed. Bed it is not recommended. Bed pe hum bahut sare kaam karte hain. Reading should not be done on bed. Okay, okay. Thank you. Yes, Tara Chand ji bole. Ji ma'am. Ma'am, wo mere ko color ke liye thoda sa doubt tha. Jaise ye card hai, the High Priestess. तो इसमें ना कई जगह तो ब्लू दिखा रखा है, इसमें ग्रीन है, ये सही है या गलत है? ओरिजिनल आपके हाथ में जो है ये ओरिजिनल कार्ड्स है, यानी ग्रीन कलर ही है इसका ओरिजिनल, ग्रीन कलर। और इसमें ना एक कार्ड में और आया था कि वो जो इसने ये डाल रखे हैं वो वहां आप ग्रीन दिखाते हैं इसमें जस्टिस में, तो ये ग्रीन दिखाते हैं आप just. तो ये लेकिन इसमें येलो, हाँ येलो ग्रीन ही है वो, जी बिल्कुल। तो और कई जगह ना जो वाटर का कलर या किसी चीज का कलर ब्लू दिखा रखा है कार्ड में जो आप दिखा, और कई जगह ग्रीन है। ये जो आपके कार्ड्स हैं ये ओरिजिनल है, इसमें जो भी कलर तो, सही है जो अभी अच्छा। थे ना दो जिसमें हाई प्रीस्टेस में ब्लू था वो ओरिजिनल नहीं था। हाँ। अच्छा ब्लू वाला ओरिजिनल नहीं है, ठीक नहीं। है एक ना आपने वो नेचर ऑफ रीथ बताया है, ये नेचर ऑफ रीथ में इसका मतलब, रीथ का मतलब समझ नहीं आया, नेचर की जो ऐसे वो बनाया हुआ है ना राउंड, मतलब जैसे इनको सर्कल किया हुआ है नेचर में, नेचर ने इनको प्रोटेक्ट कर रखा है। रीत रीत का क्या अर्थ बताया आपने? रीत का मतलब यही होगा ना, नेचर से प्रोटेक्टेड है। जी जी थैंक यू। जी नेहा बोले। यस मैम, मैम एक चीज थी कि रेकी में जो आपने सिंबल सिखाए हैं और अधिकतर अगर यूट्यूब या कहीं और देखे तो सेहकी और हंसाइजेशन का बिल्कुल अलग सिंबल है। दो तरीके के सिंबल होते हैं ये, ट्रेडिशनल और मॉडर्न डे सिंबल। हम मॉडर्न डे सिंबल पढ़ाते हैं और वही यूज होते हैं आजकल, ट्रेडिशनल कोई भी यूज नहीं करता। ओके और मैम एक चीज और देखी कि रेकी में जैसे वो किसी को दे रहे हैं तो ऐसे ऐसे, तो क्या ये सब हमें करने की जरूरत है या नॉर्मल? नहीं कोई जरूरत नहीं। और एक और मैम, जैसे हम देते हैं वैसे दीजिए, ठीक है। और एक और चीज मैम, जैसे मैंने देखा है कि बिंदी लगाकर या थोड़ा सा ऐसी इन चीजों की भी जरूरत होती है, आपकी मर्जी है जैसे आप प्रेजेंट करना चाहते हो खुद को, किसी को रहना अच्छा लगता है, किसी को वो चीजें अच्छी लगती हैं, जिसके जैसा मन है। इससे रिलेटेड नहीं है ना मैम के और अच्छी फीलिंग, ठीक है थैंक यू। यस अर्शप्रीत बोले। मैम मेरा क्वेश्चन मैरोलॉजी से रिलेटेड था कि जब हम प्रिडिक्शंस करते हैं लाइक ट्रैवल की, हम अंतरदशा देखें या महादशा देखें? दोनों देखेंगे, एक क्यों देखेंगे? मैम जैसे होता है कि अंतरदशा में पॉजिटिव नंबर आ रहा है, महा में नेगेटिव आ रहा है, तो आपको पूरी पूरा देख लिया आपने कोर्स वीडियो वाला? हाँ जी पूरा देख लिया मैम। तो ये आंसर का जवाब ऐसे आपको पता होना चाहिए, महादशा जो होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है, अगर वो नेगेटिव है और अंतर पॉजिटिव आ रहा है
तो वो उस नेगेटिविटी को कम कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं बदल सकता कि नेगेटिविटी को पॉजिटिव कर देगा. अंतरदशा इज लेसर पावरफुल देन महादशा. कि तो महादशा का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, तभी उसको महादशा बोला है ना, द बिगर दशा. क्लियर? सो आई होप आई हैव क्लियर्ड एवरीबडीज डाउट्स. और हर 15 दिन में आपके पास ये एक्सेस होता है, एक डाउट सेशन हम लेते हैं वीडियो रिकॉर्डेड कोर्सेज के लिए. आप इसमें आके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. एंड सर्टिफिकेट्स आप सबके 10-12 डेज के आसपास आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा. यू कैन यूज दैट ऑल्सो. जिसको एस्ट्रोटॉक में प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट ऑप्शंस आर नाउ ओपन, वी विल बी अरेंजिंग द इंटरव्यूज. आज सुबह आपके पास मैसेज भी आया होगा, तो आप हमें, जिसको प्लेसमेंट के लिए कॉन्फिडेंस है वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है, उसको प्लेसमेंट मिल जाएगी. टैरो प्रैक्टिस क्लासेस के लिए भी आपको मैसेज आ जाएगा इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दैट. अभी आप उसको लेटर ऑन ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है जी. सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट